only one body we have recovered. Actually, we have searched the entire premises. Nothing is there, not even a single injury we found, apart from one person dead because of suffocation or what, that we will come to know. The body was found in the kitchen. गुड इवनिंग, आज शाम 4 बजे सोहेल होटल में फायर एक्सीडेंट हुआ बोल के पुलिस वाले को मालूम हुआ। हम आए और फायर ब्रिगेड को बुलाए, फायर वाले फायर एक्सटिंग्विश करे, करने के बाद देखे तो अंदर एक आदमी मरा हुआ लाज था, वो मेल पर्सन था। इंक्वायरी में, होटल वाले इंक्वायरी में उसका नाम शाहबुद्दीन बोल के मालूम पड़ा। उनका एज अराउंड 30-35 ईयर्स, बिरयानी पैकिंग वर्कर था। उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करे डेड बॉडी को, और फैमिली वाले को बुला के उसके ऊपर उनसे कंप्लेंट लेके केस करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, और होटल वाले के भी केस बुक करेंगे, उनका जो नेग्लिजेंस का भी केस करेंगे। बस थैंक यू। हैदराबाद का है, छावनी नादर अली बेग का रहने वाला बोल रहा। उनका बीवी बच्चे भी है, वो बच्चे भी है बोल के मालूम पड़ा। आज फायर वाले बताना, फायर वाले आने के बाद फायर वाले से भी जो ये पूरा एक्सटिंग्विश होने के बाद उनके रिपोर्ट के मुताबिक वो भी चेक करना है ना। आप देखे तो वो काला हो गए, वो फायर ब्रिगेड वाले रिपोर्ट देते हो आपने, उनको भी एक रिक्वेशन दिया, वो कैसे हुआ क्या हुआ वाक्य के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट देने के बाद कार्रवाई। सर जब 4 बजे आते हैं, सर आप बता रहे हैं 4 बजे पहले इंसिडेंट हुआ, ठीक है, वहाँ पर एक लड़का फौत हो गया, उसकी इतला काफ़ी देर के बाद मिली है सर। नहीं, वो अभी स्टेटमेंट जबकि फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर को फायर आप बुलाया, फायर वाले एक्सटिंग्विश करने के बाद वो झुके हुआ था, लाश आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करके ये लाश है बोल के वो वैसा नहीं होता। फायर में कोई भी किसी सिविलियन को आपके मुताबिक आपके सिक्योरिटी के वास्ते किसी को अंदर नहीं नहीं जाती, कैसे भी एक्सटिंग्विश कर, वो हर एक जाने का नहीं है, वो ओनली ऑथराइज पर्सन बोले तो फायर ब्रिगेड, हम भी जाते नहीं, हम आपको रोकते। सर एक की डेथ हुई, और कोई इंजरीज है यहाँ पर अभी तक तो मालूम नहीं है, एक डेथ हुआ ये मालूम पड़ा, वो बाद में इंक्वायरी करेंगे, वो कितना एम्प्लॉइज है वो लिस्ट देखिए। अभी आपके सामने अभी बाहर आए,